A very good evening, class. A very good evening to all of you. I welcome you all in Mahindra's official YouTube channel. मैं आप सभी का Mahindra के official YouTube channel में स्वागत करता हूँ. मैं आपका mentor and host संजय कुमार. चलिए आज हम लोग SSC के जो अभी तक questions जो आए हैं, जैसा आपको पता है कि कल ही शाम की news है कि CHSL काफ़ी हद तक क्या हो गया है भाई, postpone हो गया है. जैसा आप सभी को पता है भाई, अब जब पोस्टपोन हो चुका है तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आए हैं उसका एक बार रिवीजन करना है. तो आज मैं सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आए वो सारे रिव्यू कराऊंगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, ठीक है. और जो क्वेश्चन कल की लास्ट शिफ्ट में बच गए थे, लास्ट शिफ्ट जो थी उसमें बच गए थे, उन सारे क्वेश्चन को विथ डिटेल और विथ स्टैटिक पोर्शन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो फटाफट जरा सेशन को शेयर करिएगा सभी लोग अपने मित्रों तक, सभी तक अपने दोस्तों तक. आई होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल, जल्दी से बताइएगा. चलिए जरा हम लोग देख लेते हैं हम लोग कहाँ से ये सारे इतने सारी चीज़ों को देखते हुए आ रहे हैं. आपको अगर याद होगा तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं. अगर आप सेशन को देख कर चलोगे तो यहाँ पर आपको याद होगा कि लूनार से रिलेटेड क्वेश्चन आया है आपके पास में बहुत सारे. इस तरीके से भी मैंने इंपॉर्टेंट डे ऑफ महाराष्ट्र पढ़ाए थे आपको अगर याद होगा. पॉपुलेशन पे यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, लिटरेसी रेट पे क्वेश्चन पूछा गया था, पाथवे टू द गॉड, ठीक है, यहाँ पर महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था. फिर बहुत सारे डैम पूछे गए थे, ब्लू विट्रियॉल पूछा गया था. यस नो, जल्दी से यहाँ पर बताएंगे. ये सारे इसी तरीके से मैंने सेशन को पढ़ाया है. तो ये सारे सेशन की PDF आपको जो है GSGA विद संजय सर वाले सेशन पे मिल जाएगी. ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने, आपको याद होगा कि मैंने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करे थे आप लोगों से, बहुत सारे जो यहाँ पर विटामिन पर भी डिस्कशन किया था आपको अगर याद होगा. तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास में, लिख लिख कर भी हम लोगों ने यहाँ पर बात करी थी आपको याद होगा, ठीक है. मैंगो का नाम, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी सिडनी यहाँ पर, ठीक है, किसने यहाँ पर खालसा पंथ को इस्टेब्लिश किया, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो ये सर को बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट हुए हैं आपके. मैंने सेंसस आपको पढ़ाया प्रॉपर वे में, ठीक है, सारा सेंसस बता दिया था मैंने. फेस्टिवल्स बताए थे मैंने आपको अगर याद होगा, ठीक है. उसके बाद में मैंने ये सारे क्वेश्चंस दिए रखे, ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है. अनटोल्ड स्टोरी जिसको कहा जाता है, ठीक है, ये स्टोरी बुक्स राइटर, सारे बुक्स और राइटर यहाँ पर मैंने बताए जो भी अभी रिसेंटली चर्चा में थे, ठीक है. वंदे मातरम किसने लिखा, ये हॉट एयर बलून सफारी किसने शुरू किया है, उसके बाद में 1857 के रिवॉल्ट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है. फिर ये सारे क्वेश्चंस वाइज करा दिए हम लोगों ने, आई होप यू रिमेंबर दैट. ये सारे क्वेश्चंस एक साथ मैं कंपाइल करके आपको दूंगा, ठीक है. बट उसके पहले हम लोग कल जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है. कल 6 डे पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे. कोल्हापुर पर क्वेश्चन किया था, म्यांमार पर क्वेश्चन किया था, और जहाँ पर हम लोगों ने पिलर कॉन्सेप्ट को देखे थे, बहुत सारे पिलर कॉन्सेप्ट देखे थे. हर गल जल थीम को देखा था. फिर हम लोगों ने SCII के फुल फॉर्म को देखा था, ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड्स को देखा था. चलिए आई एम ऑडिबल और नॉट, फटाफट जरा सेशन को शेयर करिएगा आप सभी लोग, जरा सेशन को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों तक, ठीक है. फिर हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था किस पे, आर्टिकल 32 पे, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. फिर कथकली पे बात कर रहे थे हम लोग, और अभी रिसेंटली जो यहाँ पर NV रमन्ना जो यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, अभी रिसेंटली बनाए गए हैं, कौन, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चलिए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. अंतरिप जूही, शिवांगिनी साग्निक, प्राची, मीना, अंतरिप जैन, धीरज जैन सर, दीपाली शर्मा. चलिए बहुत बढ़िया. लेसोंग फेस्टिवल के बारे में जाना था, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स के बारे में जाना था. कर्म योद्धा के बारे में जाना था हम लोगों ने. प्रोडक्शन ऑफ सबसे ज़्यादा आयरन कहाँ पर प्रोडक्शन है, गुड इवनिंग. फिर विटामिन B1 के बारे में जाना था, थायमिन के बारे में, CJSC ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट में कौन है, ठीक है. रिवर्स के बारे में जाना था, पूरी रिवर्स मैंने यहाँ पर बता दी थी आपको अगर याद होगा, ठीक है. फिर CISF के महानिदेशक के बारे में बात कर रहे थे. फिर यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल, और फिर यहाँ पर CSIR के बारे में बात कर रहे थे. यस नो, चलिए बिग बैंग थ्योरी पे हम लोगों ने बात किया था, इफ़ यू रिमेंबर दैट, ठीक है. इसके बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे. चलिए पहला क्वेश्चन आज के स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे. चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, सतीश व्यास इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संतूर, सितार, बांसुरी और तबला. देखो मैंने अभी यहाँ पर क्वेश्चन वाइज रखा है, कल मैंने यहाँ ऑप्शंस नहीं दिए थे, आज मैंने क्वेश्चंस रखे हैं. तो जिस हिसाब से चीज़ें चलेंगी उस हिसाब से हम लोग पढ़ते चलेंगे.
चलिए यहां पर बताइएगा कौन से वादक थे ये? सतीश व्यास, यू आर, अच्छा जी आनंद, चलिए वेरी गुड। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा सतीश व्यास, जो कि अभी चर्चा में थे, संतूर वादक थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन है सर? सतीश व्यास इंडियन संतूर, यहाँ पर इंडियन संतूर प्लेयर हैं, एंड ही इज द सन ऑफ इंडियन फेमस क्लासिकल सिंगर सी आर व्यास। ठीक है, सी आर व्यास के ये बेटे भी हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड ये है यहाँ पे जानकारी आपके सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था सी एच एस एल के ठीक है सेकेंड शिफ्ट में। कब आया था क्वेश्चन? कल ही के सी एच एस एल के सेकेंड शिफ्ट में यहां पर आया था। यस, चलिए यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट ए, अब नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपको बताना है। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के बारे में जल्दी से बताइएगा कौन होगा? मार्क रूट, सना मारिया, बोरिस जॉनसन या इमैनुअल मैक्रों? जल्दी से बताइएगा फटाफट। नीदरलैंड के, नीदरलैंड, नीदरलैंड का जो यहां पर नाम है उसको हॉलैंड भी पुकारते हैं। पुराना नाम यहां पर क्या है सर? हॉलैंड भी है। चलिए क्लियर है, सन ऑफ सी आर व्यास। यस, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा? मार्क रूट यहां पे हो जाएगा। सना मारिया की जब हम लोग बात करते हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट फीमेल, ठीक है, यहां पर फीमेल पीएम है, किस देश की है? उसके साथ साथ में बोरिस जॉनसन की बात कर लें तो ये ब्रिटेन के पीएम है यहाँ पे। अच्छा मुझे बताइएगा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी यूके, ब्रिटेन और इंग्लैंड? चलो ये डिफरेंस बताना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। इमैनुअल मैक्रॉन जो है ना वो प्रेसिडेंट है फ्रांस के। चलिए ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, तो यहां पे आंसर क्या होगा सर? मार्क रूट। चलिए यहां बताइएगा किस देश की है ये मैम? ठीक है, यहां पर बात करी जाए तो यूरो यहां पर बोल रहे हैं भाई, कैपिटल है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया करेंसी है यहां पे। अब यहां पर बात कर ली जाए तो फिनलैंड की है, और फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट पे आया है। किस पे आया सर? हैप्पीनेस इंडेक्स में, हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर आया है। कौन? यहां पर, ठीक है, पीएम स्कीम्स। चलिए पीएम स्कीम्स पे भी एक सेशन लेके आ जाएंगे, सारी सारी स्कीम्स के बारे में यहां पर बताएंगे। चलिए बहुत जल्दी सेशन लाने वाले हैं, बहुत जल्दी सेशन लेके आएंगे। चलिए यंगेस्ट, यस यंगेस्ट पीएम है, माही ने आंसर किया है, यंगेस्ट पीएम है। कहाँ की है? फिनलैंड की है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखो जो यूनाइटेड किंगडम है, अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो यहाँ पर चार देश, यहाँ पर चार अलग अलग किंगडम से बना है, जिसमें एक आ जाता है इंग्लैंड, एक आ जाता है आपका वेल्स, एक आपका आ जाता है स्कॉटलैंड, और एक आपका आ जाता है नॉर्थ आयरलैंड। ये हमको पता होना चाहिए, क्लियर है यहां तक? यस, ये सारी बातें हम लोगों ने कर डाली तो हमको पता होना चाहिए, ये सारे सारे नाम हम लोगों ने देख डाले। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए पीएम है बट साइकिल यूज करते हैं, वैसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक यहां पर क्या प्रदान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहे हैं, कितनी बड़ी शख्सियत इस तरीके से रह सकती है। अब यहां पे आ रहा है सर भद्रा, ठीक है, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखो यहां पर बहुत सारे, जैसे आज मैं आपको नेशनल पार्क, आज मैं आपको यहां पर स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत सारे स्टेडियम सब कुछ बताऊंगा, तो जरा सेशन को फटाफट जल्दी से शेयर करो सभी दोस्तों तक, फटाफट जरा सेशन को शेयर करिएगा आप सभी अपने मित्रों तक। इंग्लैंड इज ए कंट्री, ब्रिटेन इज एन एरिया, ओके। चलिए अब यहां पे बताइएगा कहां पर होगा, ठीक है, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पे कहां पर होगा जल्दी से बताइएगा फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, चलिए जरा फटाफट जल्दी से सेशन को शेयर करना भाई। देखो आज मैं ऑप्शंस के साथ में लेके आया हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप यहां पे ऑप्शंस का साथ दें। यस सागनी कर्नाटक का बता रहे हैं,
कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए वेरी गुड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? एसएससी जी माही, एसएससी एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है यहाँ पे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में मिलेगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में मिलेगा, यहाँ पे भद्रा, ठीक है। कर्नाटका में आपके सामने बहुत सारे हैं, ठीक है, कर्नाटका में ही बहुत सारे आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उनके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो देख लेते हैं डिटेल इसके बारे में, ठीक है। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोजेक्टेड प्रोटेक्टेड एरिया है टाइगर रिजर्व के लिए, टाइगर प्रोजेक्ट के लिए। तो मुझे बताइएगा टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया, क्योंकि हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया, क्योंकि ये हम लोग बात कर चुके हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया जल्दी से बताइएगा। और एक रिसेंटली चर्चा में है प्रोजेक्ट रिहैब, प्रोजेक्ट रिहैब जल्दी से बताना मुझे, ये किसने शुरू किया है प्रोजेक्ट रिहैब, ये क्या चीज़ है भाई जल्दी से बताना मुझे, ठीक है। किस मंत्रालय ने शुरू किया है इसको, किस मंत्रालय ने शुरू किया है, ये बड़ी चर्चा में है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं चीज़ें, वो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया जल्दी से बताइएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कर्नाटका में है, और जो भद्रा सेंचुरी है वाइल्डली फ्लोरा फौला के लिए जानी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हैबी गिरी एक सेंचुरी, इस सेंचुरी की हाईएस्ट पीक है। चलिए हैबी गिरी इसकी हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। चलिए 1973 में यहां पर क्या शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। चलो बहुत सारे क्वेश्चन है आपके सामने आज, एक्ट कब आया है जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट, हाँ। और करंट टाइम में डेटा के हिसाब से कितने हैं जल्दी से बताना, करंट टाइम में डेटा के हिसाब से कितने हैं, कितने टाइगर हैं आज की डेट में, ठीक है जल्दी से बताओ। यहाँ पे 7 अप्रैल 1973, दुदुआ में हिरन है, चलिए गुड, नहीं इसका आंसर बताइएगा प्रोजेक्ट रिहैब, क्योंकि ये भर चर्चा में है। अभी मैंने इसको बताया भी था आपको, अगर आपको पता होगा कर्नाटका का ही, यहाँ पर कर्नाटका का, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट था जहाँ पर प्रोजेक्ट रिहैब चलाया गया, जहाँ पर रिड्यूस करना एनिमल एलिफेंट और ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट को कम करना, इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर हनी हनी रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट किया गया, हनी। और ये किस मंत्रालय के शुरू किया गया, ये शुरू किया गया था खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के थ्रू शुरू किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर, मुंबई में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, यस और नो जल्दी से बताइएगा। और ये आता किसके अंडर है, ये आता है एमएसएमई के अंडर। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं एमएसएमई के अंडर कौन है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इसको कौन हैंडल करता है, ये हैंडल किया जाता है बाय द यहाँ पर नितिन गडकरी सर के द्वारा। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, नितिन गडकरी सर एनजीपी नागपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और इसके अलावा इनके पास में रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी है। तो देखो कितने सारे यहां पर हम लोगों ने बात कर ली है सर, भाई फोन साइज तो मैंने लार्ज ही किया हुआ है, ठीक है, देयर वाज नाइन, यस हाँ, सबसे पहले यहां पर 9 सेंचुरीज हुआ करती थी, आज की डेट में काफी ज्यादा है, यस हनी रेवोल्यूशन। चलिए प्रोजेक्ट एलिफेंट अभी तक किसी ने नहीं बताया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया ये नहीं बताया किसी ने अभी तक, चलो ठीक है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं भाई, आपको अगर पता होगा तो। ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें तो कितने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अगर हम लोग देखने पे आए यहाँ पे, चलो देख लेते हैं एक बार, ठीक है, यहाँ पर आइए देख लीजिए एक बार, मैं प्रॉपर वे में बताता हूँ आपको, ठीक है। देशु है, ठीक है, चुनमाई है, देशगाम है, फिर यहाँ पर अगर देखोगे तो गोविंद मिल जाएगी, केदारनाथ मिल जाएगा, नंदा देवी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व भी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पेरियार बहुत सारे हैं, ठीक है, यहाँ पे ताल छपरा, उसके बाद में यहाँ पर बात करते हो तो कर्नाटका, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इतनी ज़्यादा याद नहीं होंगी लेकिन सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक, यस फटाफट बताओ यहाँ तक क्लियर है। चलो अब यहाँ पर देखो नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ नेशनल पार्क, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क अभी मैं आपको बताऊंगा, आगे चल के नेशनल पार्क भी बताऊंगा। चलो यहां तक क्लियर हो रहा है जल्दी से बताओ, क्या इतना क्लियर है,
जल्दी से बताइएगा। अब देखो हेमिस नेशनल पार्क जो है यहाँ पे सबसे हाइटेड नेशनल पार्क है, ठीक है, सबसे हाइट पे लद्दाख में आता है इस समय, हाइट पे नेशनल पार्क है। उसके बाद किश्तवाड़ नेशनल पार्क आ जाएगा, फिर यहाँ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आ जाता है, फिर यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क दिख रहा होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, दिख रहा है आप सभी को, जल्दी से जल्दी बताइए। फिर यहाँ नंदा देवी आपको वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क दिख जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा नेशनल पार्क है। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क दिख रहा होगा, और बिहार में इकलौता है वाल्मीकि नेशनल पार्क, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पूरा मैं दिखा दूंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका कहाँ पर मिलेगा, आपको मिलेगा हरियाणा में। फिर आपको डेजर्ट नेशनल पार्क देख लेगा कोयला देव, घाना नेशनल पार्क राजस्थान में मिल जाएगा, सरिस्का नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा कहाँ पे, राजस्थान में। फिर रणथंभौर नेशनल पार्क मिल जाएगा, फिर यहाँ पर मरीन नेशनल पार्क मिल जाएगा, इकलौता पानी का नेशनल पार्क जो सबसे पहला बना था, मरीन नेशनल पार्क गुजरात के अंदर रण ऑफ कच्छ के पास यहाँ पे जो है ना, ठीक है। फिर ब्लैकबक गिर नेशनल पार्क आपको किसके लिए फेमस है भाई, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। फिर यहाँ पर वलसाड़ा नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है मुंबई के पास में आपको अगर दिखा होगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, ठीक है। यहाँ पे बनेर घाट नेशनल पार्क दिख रहा होगा, बांदीपुर नेशनल पार्क दिख रहा होगा, ठीक है। अनाई मोड़ी नेशनल पार्क दिख रहा होगा आपको, पेरियार नेशनल पार्क हाथियों के लिए बड़ा फेमस है, यहाँ पे देखो जरा जहाँ पे कर्सर घूम रहा है आपके सामने दिख रहा होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, यस। जो बड़े चर्चा में होते हैं उन पे जरूर बात करता हूं। इंद्रवती नेशनल पार्क है आपका, ठीक है। ताड़ोबा महाराष्ट्र में नेशनल पार्क मिलेगा, पेंच नेशनल पार्क बड़ा फेमस है, पन्ना नेशनल पार्क बड़ा फेमस है, माधव नेशनल पार्क बड़ा फेमस है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क बड़ा फेमस है, फॉसिल कान्हा ये बहुत पूछे जाते हैं आपसे, सिमलीपाल नेशनल पार्क अभी यहां पर आग लग गई थी आपको पता होगा, उड़ीसा में है, हाँ। एग्जामिनर हमारे बगल में बैठ के क्वेश्चन पेपर बनाता है गुरु, है ना। मतलब गजब हो यार, हाँ जो मैं बोल रहा हूँ इतने सारे थोड़े ना बता रहा हूँ भाई मेरे, कुछ ही नाम तो ले रहा हूँ, जैसे नारोरा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नेओरा वैली नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ पे देखो मनास नेशनल पार्क दिख रहा होगा, ठीक है, नोक्रेक नेशनल पार्क दिख रहा होगा, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुंदरबन नेशनल पार्क देखे, भीतरकर्णिका नेशनल पार्क होगा, भीतरकर्णिका नेशनल पार्क, ठीक है, हाँ हाँ बगल में बैठ के पेपर बनाएगा वो, हम उस दिन बता देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे केबुल लामजाओ ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखो पूरा पूरा मैप इसीलिए लेके आ गया हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको समझा सकूँ, समझ में आया, ठीक है। केबुल लामजाओ इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अभी ये सारे नेशनल पार्क लिखित रूप में बताऊंगा भाई, टेंशन ना लो, ठीक है। गजब कर देते यार, मतलब इतने सारे नेशनल पार्क में मैंने दो चार जो इम्पोर्टेंट थे वो बता डाले, उसमें भी आप प्रभु ऐसी करोगे तो बात क्या मजा आ जाएगा फिर तो यार, है ना। फिर सैडल नेशनल पार्क मिल जाएगा यहाँ पे, और इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि अंडमान निकोबार में है, समझ में आया, जल्दी से बता। ये सब दिखाऊंगा, ये सब बताऊंगा। केबुल लामजाओ चलो क्लियर है। अब यहाँ पे मेडिसिन लाइन किसको कहा जाता है, कोई मुझे बताएगा, मेडिसिन लाइन बहुत फेमस है भाई, मेडिसिन लाइन बहुत ज्यादा ही फेमस है, इस लाइन को नंबर से भी जाना जाता है, वो नंबर मुझे कोई बता दे, ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट, जरा सेशन को शेयर करो, ये सारी की सारी बातें हम लोग करते हैं। मैक्सिको यूएसए, यूएसए क्यूबा, कैनेडा यूएसए और पनामा यूएसए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैनेडा और यूएसए। गुड इवनिंग राहुल, सॉरी रोहित, चलिए फटाफट जरा सेशन को शेयर करो भाई सभी मित्रों तक, ताकि क्या हो भाई जो नॉलेज हम पढ़ा रहे हैं वो सभी तक पहुंचे, है ना। चलो कैनेडा एंड यूएसए 49th पैरेलल लाइन, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है 49th पैरेलल लाइन होगी यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें। साउथ बटन स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट कौन सा है अभी सब बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, कैनेडा, ठीक है, कैनेडा एंड यूएसए हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच में जो ये 49th पैरेलल लाइन दिख रही है ये कनाडा और यूएसए के बीच में। उस तरीके से मुझे जरा बताना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ यहाँ पे, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश की लाइन को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए, ठीक है, और 50 पैसे इनाम पाइए, हाँ ऐसा कुछ। इंडिया और, ठीक है, अफगानिस्तान
के बीच की लाइन बताइएगा और इंडिया और चाइना के बीच की लाइन बताइएगा। जल्दी से बताओ फटाफट, चलो यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच के नाम बताइएगा। अभी चाइना भाई साहब जो है ना, हम लोग को क्या कह रहे हैं भाई, टेंशन पे टेंशन दिए जा रहे हैं कि बोल रहे हैं भाई हम लोग चार, पहले वादा कर लिए हमसे कि हम चारों जगहों से हट जाएंगे। जैसे कि आपका क्या था सर, गलवान वैली था, पोंगोंगसो लेक था, वहीं से हटे। दो लोग दो जगह से नहीं हटने को बोल दिया चाइना ने, वो दो जगह कौन सी है जल्दी से बताओ, बड़ी चर्चा में है यहाँ पे। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में 38th पैरेलल लाइन, ये ध्यान रख लेना, क्वेश्चन यहाँ से आपसे जरूर पूछेगा। कोरिया लिख दे, मैंने यहाँ तो आधा ही लिखा है, बताइए यार आप लोग बता भी नहीं रहे हो। ठीक है यहाँ तक, चलो चलो सेशन को शेयर करो। इंडिया पाकिस्तान दोनों के बीच को यहाँ पर रेड क्लिफ्ट लाइन बोल देते हैं भैया, क्या बोलते हैं सर, रेड क्लिफ्ट लाइन बोल देते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में यहाँ पर डूरंड लाइन है, क्या है सर, डूरंड लाइन है भैया। ठीक है, इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन, जिसको ये भाई साहब मानते नहीं है, ठीक है, मैकमोहन लाइन बड़ी चर्चा में होती है, पूछा बहुत जाता है आपसे ये। ठीक है, तो ये देखो, ये सारा का सारा मेडिसिन लाइन को लेकर आपके सामने यहाँ पर बात करें। यूएसए कनाडा बॉर्डर को कहा जाता है स्पेशली पार्ट ऑफ बॉर्डर रन्स अलॉन्ग द 49th पैरेलल, मैंने कहा था मिडेस्ट ऑफ द, अच्छा इनके बीच में एक बात बता रहा हूँ, यहाँ से जो ग्रेट लेक्स है ना, ग्रेट लेक्स वहां से भी ये लाइन गुजरती है, तो ग्रेट लेक्स में पांच लेक आती है, उन पांचों लेक का नाम बताओ। मैं कई बार डिक्री यहाँ पर बता चुका हूँ, उसका शॉर्टकट मैंने क्या बताया है, होम्स बताया है। उसका शॉर्टकट क्या बताया है मैंने, होम्स बताया है। जरा जल्दी से बता दो मुझे शॉर्टकट मेरे बारे में। जी आनंद जी, आपने भी बताया है, चलिए भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, 50 पैसे आपके हुए, चलो पढ़ाई कर लो। तो यहाँ पर क्या है, फ्रंटियर डेज की, व्हेन दी बैटल बिटवीन द यूएसए एंड दी नेटिव अमेरिकन्स वाज कॉमन, जब ये फ्रंटियर कब बना था, क्योंकि नेटिव अमेरिकन और जो यूएसए के ट्रूप्स थे उनके बीच में यहाँ पर क्या हो रहा था भाई, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी। द ट्राइब वुड ऑफन फ्लीट नॉर्थ इन टू दी ब्रिटिश कैनेडियन टेरिटरी टू रेस्ट दी रिकैप, यहाँ पर रिकेप्यूरेट आफ्टर फाइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं इतिहास को भी काउंट किया है अपन ने, यहाँ पर इतिहास को भी काउंट करके बता दिया है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी आप जोड़ सकते हो। यस बहुत बढ़िया, आई से कहाँ से आ जाएगा रोहित भाई, इरिस, बहुत बढ़िया सही आंसर है, यस यस इरिस, हुनरुस मिशिगन ओंटारियो सुपीरियर, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। कैसे क्रूक्ड बॉर्डर है, हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सॉरी, जरा सेशन को जरा फटाफट शेयर करो। क्या बोला था भाई, होम्स का क्या फुल फॉर्म है भाई, हुनरुस ओंटारियो मिशिगन इरिस और सुपीरियर, सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की झील, ये सुनो, मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील, ये सुनो, सुपीरियर। ये सब बताया है प्रभु, पुराने जो लेक्चर्स हैं, आज से नहीं लेक्चर ले रहा हूँ मैं, 19th of November से लेक्चर ले रहा हूँ, और अभी तक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यहाँ पर से 600 से ज़्यादा क्वेश्चन कवरअप करा चुका हूँ। जो डेली क्लासेस करते हैं ना उनको पता है, ठीक है, जो डेली क्लासेस करते हैं वो बात अलग है, फेमस नहीं हुए हैं तो बात अलग है, लेकिन भाई 19 से ले रहे हैं क्लासेस और 600 से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, बस धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते रहो। ठीक है, बैकाल सबसे डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक है बैकाल। ठीक है, बैकाल जो है वो दुनिया की सबसे गहरी गहरी झील है दुनिया की, कहाँ पर है जल्दी से बता दो मुझे, रशिया। ठीक है, मीठे पानी की है खारे पानी की है, चलो ये भी बता दो, मीठे पानी की है या खारे पानी की है जल्दी से बता दो ना। अब देखो यहाँ पर मैकमोहन लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है, जिसको भाई साहब अपना बताते हैं वो बात अलग है। ठीक है, ठीक है, ये होती है डूरंड लाइन और यहाँ पर ये रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में और बांग्लादेश के बीच में, नो फ्रेश वाटर लेक, चलो हाँ यूरोप और रशिया के बीच में। अगर चलो मैं यहाँ पर पूछता हूँ खारे पानी की, चलो ये बताओ, ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, घारे लिख दिया, चलो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दुनिया की, और सबसे ज्यादा खारा पानी किसका है, ठीक
ठीक है। कैस्पियन का नाम सुना है आप लोगों ने, हाँ, और वाना का नाम सुना है, वाना 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 लेक। चलो बहुत सारे अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं भाई। चलो यहाँ पे खालसा पंथ की शुरुआत किसने की, क्वेश्चन रिपीट हुआ था क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन एसएससी ने रिपीट किया है, इसी सेशन में रिपीट किया है, सोचो। ठीक है, हाँ ये बताइए, अंगद देव जी, रामदास जी, गोविंद सिंह जी और यहाँ पर हरगोविंद जी। चलो ये थोड़ा सा कैपिटल में होना चाहिए था, ठीक है, गुरु गोविंद जी। चलिए क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से बताना है यहाँ पर, फटाफट सेशन को शेयर करो। कैस्पियन सी, यस। सॉरी, बैकाल इज द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक, यस सागनिक, हाँ बहुत सही जी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, खालसा पंथ की शुरुआत जो करी थी वो 10वें 10th सिख गुरुदेव ने करी थी, सिख गुरु ने करी थी यहाँ पर, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। आपको याद होगा वो बॉर्डर मूवी में डायलॉग है ना, क्या है तो को ध्यान नहीं आ रहा, बताते हैं अभी। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। अब यहाँ पर कितने गुरु थे, 10 गुरु थे, हमको पता होना चाहिए। सी होगा सर, यस बहुत सही बता रहे हो। अब यहाँ पर प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी के बारे में ऐसा हम कह सकते हैं ये प्रथम थे, तो जरा मुझे इनके समय पर ही 1526 का ये विटनेस थे, 1526 के फर्स्ट प्रथम पानीपत युद्ध के ये क्या थे, विटनेस थे। उसके बाद अंगद देव जी आ जाते हैं, फिर अमरदास जी आ जाते हैं, फिर यहाँ गुरु रामदास जी आ जाते हैं, फिर गुरु अर्जन देव आ जाते हैं, फिर गुरु हरगोविंद जी आ जाते हैं, फिर हर राय जी आ जाते हैं, फिर यहाँ पर हर कृष्णा जी आ जाते हैं, फिर तेग बहादुर आ जाते हैं, और लास्ट में आता है गुरु तेग बहादुर जी, और फिर लास्ट में आते हैं गुरु गोविंद जी। आप सभी को ये पता होना चाहिए। चलिए, 10वें अवतार थे, 10 हुए यहाँ पे, ठीक है, हाँ 10th थे, ये हमको बताना चाहिए। पूरा पूरा नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया, सीधे सीधे आपसे ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किन्होंने करवाई, स्वर्ण मंदिर की स्थापना, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने करवाया, किन्होंने करवाया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गुरुमुखी, गुरुमुखी पता है ना, जो लिपि है, जो सिखिज्म में जो लिपि है उसको गुरुमुखी बोलते हैं, उस गुरुमुखी लिपि को, स्क्रिप्ट को, यहाँ पर स्क्रिप्ट बोलेंगे, ठीक है, उस स्क्रिप्ट को किसने किसने बनाया, किसने यहाँ पर प्रतिपादित किया, जल्दी से बताइएगा। हाँ ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, हाँ इन सभी के बारे में पूछते हैं आपसे। ठीक है, थोड़ा 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 चीजों को मैं बताता चलता हूँ यहाँ पे। चलो यहाँ पे दादोजी, ठीक है, कोंडदेव, दादोजी कोंडदेव, यहाँ पे जो कोंडदेव जो है, ये स्टेडियम कहां पर मिलेगा। देखो आज मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको दूंगा, जरा फटाफट यहां पे सेशन शेयर करना। यस सब, काकाश, कड़ा, कृपाण और केश, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सुंदर। चलिए बोल्ड लेटर में लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल्ड लेटर कहां पर भाई, बोल्ड लेटर नहीं लिखा है, अच्छा रामदास जी बहुत बढ़िया, थाने महाराष्ट्र, वेरी गुड, क्या आ जाएगा इसका आंसर, सर थाने में है महाराष्ट्र, और थाने को आई थिंक डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी यहां पर इसको तमगा प्राप्त है 2011 के सेंसस के अनुसार, अंगद देव गुरुमुखी के लिए, यस मीना कुमारी। चलिए बहुत बढ़िया, एचपी आंसर नहीं होगा यहाँ पे, आंसर होगा महाराष्ट्र। चलो टेलीग्राम के अलावा आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, अपने सभी मित्रों को भेज सकते हो जो आपके मित्र पढ़ने इच्छुक हैं, और जो इस तरीके से मैं चीजों को लेकर चल रहा होता हूँ, अगर आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि भाई शेयर करना चाहिए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर रखिए। ठीक है, बाकी भाई और अच्छा, थाने टू मुंबई, यस सबसे पहली ट्रेन, अच्छा, हाँ सबसे पहली ट्रेन चली थी जो थाने से मुंबई की ओर चली थी, उसमें 3 यहाँ पर 16th of April को चली थी 1953 में। अच्छा भारत में रेलवेज को लाने वाला कौन था, जल्दी से बताना, भारत में रेलवेज को लाने वाला कौन था, सिंध साहिब और सुल्तान यहाँ पर थे, वेरी गुड बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये महाराष्ट्र आंसर आ जाएगा, जरा फटाफट सेशन को शेयर करना। ठीक है, ये काकोदेव जो आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा सर, ठीक है, कॉल्ड एज एस आर भोसले,
ठीक है, एसआर भोस, यहाँ पर एसआर भोसले क्रीड़ा केंद्र, ठीक है, स्थल भी कहा जाता है इसको, कहाँ पर है सर, थाने में है। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक, ये सारी बातें हमारी क्लियर हो चुकी, जरा फटाफट सेशन को शेयर करो। 1825 में, यस हाँ, सबसे पहली ट्रेन जो चली थी, ओके, लॉर्ड डलहौजी, बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पर जरा स्टेडियम देख लेते हैं एक बार, स्टेडियम देखा जाए, हाँ चलो क्रिकेट स्टेडियम ही देख लेते हैं जरा। सबसे पहले देखो ईडन गार्डन कहाँ पर दिखेगा आपको, ईडन गार्डन आपको दिखेगा कहाँ पर सर, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल स्टेट में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है, कोची में, केरला में है। भूपेन हजारिका स्टेडियम गुवाहाटी, भूपेन हजारिका इनको रिसेंटली अभी भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, भारत रत्न दिया गया था भूपेन हजारिका जी को, ठीक है, भारत रत्न। तो मुझे ये बताना किस वर्ष का दिया गया इनको, जल्दी से बताया, मैं देखता हूँ आपकी नॉलेज चेक करता हूँ। कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन 1900 ऑलमोस्ट आई थिंक बंगाल, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, यस। फर्स्ट ट्रेन मुंबई से ठाणे की ओर चली थी, कार्गो ट्रेन थी, मालवाहक ट्रेन जिसको बोलते हैं। अरे लो भाई हट जाते हैं प्रभु, ठीक है, अभी उस पर आता हूँ, बताते हैं जरा। भूपेन हजारिका ब्रिज भी बनाया आसाम में, यस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ है सर, अहमदाबाद में है, ठीक है, जिसका नाम अभी क्या कर दिया गया है, पहले तो मोटेरा था, कल ही हम लोगों ने बात किया था सर, मोटेरा स्टेडियम था, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है मोदी स्टेडियम में, यस सुनो, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी स्टेडियम कहाँ पर है, भोपाल में है, ठीक है, बरकतुल्लाह। चलिए फटाफट जरा सेशन को शेयर करो भाई। सॉल्ट लेक स्टेडियम उड़ीसा में है, यस, बहुत बढ़िया। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर में है, आपको दिख जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर। चलो नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है, बाराबाती स्टेडियम कटक में मिल जाएगा आपको, विदर्भ स्टेडियम नागपुर में मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो थोड़ा सा इस पर रिनोवेशन का काम चल रहा है, ठीक है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, फिरोज शाह कोटला, मैंने कहा था स्टेडियम सारे कराऊंगा। ग्रीन पार्क कानपुर में है, के आईआईटी स्टेडियम आपको मिलेगा कहां पर सर, भुवनेश्वर में। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में मिल जाएगा, कैप्टन रूप सिंह आपको मिल जाएगा ग्वालियर में, जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम रांची में मिल जाएगा, ठीक है, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में मिल जाएगा, और सी बी पटेल स्टेडियम आपको सूरत में मिल जाएगा, ये सुनो जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए यहां तक क्लियर है, फटाफट बताओ, सेशन को शेयर करो। वीसीए अंडर कंस्ट्रक्शन, यस, अभी शायद यहाँ पर फंक्शन चल रहा है, हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम की बात कर लेते हैं, मुंबई में भाई बहुत फेमस है, बैन लगा दिया था शायद, किस पे बैन लगा दिया था वानखेड़े में, ठीक है, कौन सा आईपीएल था वो मुझे बताओ जरा, देखता हूँ आपकी नॉलेज कितनी है, कौन सा आईपीएल, वन मोर लखनऊ इकाना, यस, वो इकाना लखनऊ में आएगा, बताता हूँ आगे, ठीक है। यहाँ पर एसआई बिंद्रा, लाल बहादुर शास्त्री हैदराबाद, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, ठीक है, फिर यहाँ पर बरकतुल्लाह यहाँ पर जो है जोधपुर में मिल जाएगा, एच पी सी ए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट अकेडमी स्टेडियम धर्मशाला मिल जाएगा आपको, ठीक है, और मोइनुल हक स्टेडियम पटना मिल जाएगा, गांधी स्टेडियम जलंधर में मिलेगा, ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक, ठीक। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर बात करो तो लखनऊ में एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम क्या है सर, इकाना स्टेडियम, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी, स्टेडियम कर दिया गया है, मेरी बात शाहरुख खान पे तो लगा था, लेकिन वो कौन सा आईपीएल था, रोहित को सब याद होगा, माही बोल रही है सर, अच्छा शिवांगनी बोल रही है, कोरोना ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं है, सिर्फ लखनऊ में, ऐसा नहीं है, तो भारत की हालत थोड़ा सा ठीक नहीं है, दुआ करिए बस, और कोशिश करिए प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। श्रीनगर है, अमृतसर है, जलंधर है आपका, मोहाली में मिल जाता है आपको, चंडीगढ़ में, दिल्ली, फरीदाबाद यहाँ पर मिल जाएगा, जयपुर, जोधपुर, तो ये सारे, इंदौर, नागपुर, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, पुणे, पुणे में भी तो स्टेडियम है, पुणे के स्टेडियम का नाम बताएं जरा मुझे, गोवा, बेंगलुरु, कोची, चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, कटक, जमशेदपुर, पटना, गुवाहाटी, सारा नाम ले लिया भैया। चलो अब अगर नहीं करोगे तो लो फुटबॉल के लिए भी देख लो भाई, फुटबॉल के लिए भी निकाल लाया हूँ मैं, ठीक है। सॉल्ट स्टेडियम,
देखो सारे स्टैटिक में पढ़ा चुका हूँ, पहले मैंने विटामिन्स पढ़ा डाले थे स्टेट, उसके बारे में मैंने डांस पढ़ा डाले थे, आपको याद होगा क्लासिकल डांस भी पढ़ा डाले मैंने सारे सारे, ठीक है। चलो नाउ यू कान्हा स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, यस 26 दिसंबर 2019 में चेंज किया गया था नाम, अटल भूजल योजना याद बताया था कल ही मैंने बताया था, ठीक है। सॉल्ट स्टेडियम हो, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो जाएगा दिल्ली का, डी वाई पाटिल स्टेडियम हो जाएगा मुंबई में, EMS स्टेडियम हो जाएगा यहाँ पे कोचिकोड में, कंचनजंगा सिलीगुड़ी में, JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में, यहाँ पर फिर यहाँ पर पाटलिपुत्र स्टेडियम हो जाएगा आपका। मुझे ये बताइए पाटलिपुत्र रखा किसने नाम, या पाटलिपुत्र शिफ्ट किसने किया था? क्या हुआ भाई रोहित, क्यों गुस्सा रहे हो? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक है भाई, गुस्सा ज्यादा आ रहा है क्या? गुरु नानक स्टेडियम लुधियाना में है, ठीक है। लुधियाना इज फेमस फॉर, जल्दी से बताओ लुधियाना किस लिए फेमस है? बहुत ज्यादा फेमस सिटी है लुधियाना, और लुधियाना एक नदी के किनारे बसी हुई है। पटना किस नदी के किनारे बसी हुई है, जल्दी से बताना यहाँ पर। और पुणे भी एक नदी के किनारे बसी हुई है, उसका नदी का नाम बताना, नदी के किनारे बहुत पूछा जा रहा है यहाँ पे। मूला और मूठा, ठीक है, मूला और मूठा रिवर, उदयन ने बसाया था, यस अभिषेक बहुत दिनों बाद आया भैया। चलो अब यहाँ देखो, ये जम्मू, फिर यहाँ लुधियाना, फिर जलंधर, ठीक है, मंडी, ये दिल्ली, भोपाल, ये गांधीनगर, मुंबई, ठीक है, हैदराबाद, ये सारा सारा स्टेडियम आपके सामने दिख रहा होगा, सारा सारा स्टेडियम मैंने बता दिया। अब देखो कुछ कप एंड ट्रॉफीज देख डालो, सारी सारी बातें यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं करंट से रिलेटेड, ठीक है। जरा मुझे बताओ यहाँ पे फटाफट, हरना डायनेस्टी, यस, एशेस क्रिकेट में होता है, एशियन कप क्रिकेट में होता है, देवधर ट्रॉफी होती है, ईरानी ट्रॉफी होती है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, खास करके बैंक में, बैंक के एग्जामिनेशन में आपसे बहुत पूछा जाता है ये। रणजी ट्रॉफी हो गई, ठीक है, GD बिरला ट्रॉफी हो गई, यहाँ पे मोइनुद्दीन गोल्डन कप, गोल्ड कप हो जाता है यहाँ पे, गुलाम अहमद ट्रॉफी हो जाती है, विजय हजारे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी हो जाती है, CK नायडू ट्रॉफी हो जाती है, रणजी, ठीक है, सॉरी रानी झांसी हो जाती है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी को एक और नाम से जाना जाता है, जल्दी बताओ, रणजी, रणजी ट्रॉफी जो है, रणजी ट्रॉफी जो है यहाँ पे रणजी ट्रॉफी जो है उसको एक और नाम से जाना जाता है, जल्दी बताना यहाँ पे, रोम, तीवर, लंदन, थेम्स, पेरिस, सिन रिवर, यस, मूला और मूठा, हैदराबाद, मूसी रिवर, बहुत बढ़िया रोहित, बहुत अच्छे, जरा फटाफट शेयर करो, दिल्ली यमुना रिवर के किनारे, लखनऊ गोमती नगर के किनारे, यस बहुत बढ़िया। चलिए इसके अलावा अगर मैं बात बोलता हूँ तो पटना के बारे में मैंने पूछा था, ये लुधियाना ब्यास के किनारे है, ठीक है, ब्यास रिवर है यहाँ पे, ठीक है, लुधियाना के पास से गुजरती है, ठीक है, ब्यास सतलुज, ठीक है, फिर यहाँ पे पटना में कौन से सर, वही गंगा, चलो क्लियर है यहाँ तक, चलो क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से बताना, ठीक है, ये सब क्रिकेट में आते हैं। उसके बाद हॉकी में मैं बात कर ली जाए, ठीक है, नेहरू MCC ट्रॉफी, स्टैनले ट्रॉफी, ये सारे सारे, गुरमीत ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्डन कप, यहाँ पे आगा खान बहुत पूछा गया है, बहुत पूछा गया है आपसे, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया, मुरुगप्पा ट्रॉफी हो गया, गुरु नानक कप हो गया, विलिंगटन कप हो गया, ये बहुत बार आया है, विलिंगटन आपको पूछा गया, विलिंगटन बेसिकली राजधानी है, किसकी राजधानी है विलिंगटन, जल्दी से बताना, विलिंगटन एक राजधानी भी है, सुल्तान अजलान शाह भी है यहाँ पे। चलिए मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है? फुटबॉल में कौन कौन सी, सर डूरंड बहुत बार पूछा जाता है, डूरंड हो गया, रोवर हो गया, ठीक है, दीवन हो गया, UEFA हो गया, फीफा हो गया, फीफा इस बार कहां पर होने वाला है जल्दी से बताना, फीफा कप कहां पर होने वाला है, ठीक है, कॉन्फेडरेशन कप हो गया, कोपा हो गया, यहाँ पर बंडोलकर हो गया, कलिंगा, कलिंगा कप बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंगा अवार्ड भी दिया जाता है, कोई मुझे बताया यहाँ पर कलिंगा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, जल्दी से बताना पड़ा, टोड मेमोरियल होता है, जूलियस रमेट होता है, संतोष ट्रॉफी होता है, संतोष ट्रॉफी बहुत बार नाम आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, विट्ठल आ जाता है, BC राज ट्रॉफी हो जाता है। चलिए यहाँ तक आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है, न्यूजीलैंड की कैपिटल है विलिंगटन। चलो उसके बाद कुछ लॉन टेनिस होता है, लॉन टेनिस में जैसे US ओपन हो गया, विम्बिल्डन हो गया, मियामी ओपन हो गया, देवस कप हो गया, हेनकिन कप हो गया, ऑस्ट्रेलियन कप हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, होपमैन कप हो गया, ठीक है, थॉमस कप, चढ़ा कप, यूरोपियन कप, ऊबर कप पूछा जाता है, पूछा जा चुका है बैडमिंटन में, ठीक है, अग्रवाल कप, मलेशियन कप, गोल्फ राइडर कप, MS मास्टर, ठीक है, US यहाँ पर मास्टर, US मास्टर पूछा जाता है, ठीक है, वॉकर कप हो जाता है, ब्रिटिश ओपन हो जाता है, लोग कितने बढ़िया कोर्ट है, यू आर नेवर लूज,
ठीक है, यू आर नेवर अ लूजर अंटिल यू क्वाइट ट्राइंग। अगर आप कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है, वो तो है कलिंगा स्टेडियम, कलिंगा साइंस में दिया था, फीफा कतर में होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो क्लैप फॉर यू ऑल। चलो फटाफट से स्क्रीन को शेयर करो, लाइक वाइक तो करना नहीं है भाई, पैसा लगता है ना। हाँ लाइक वाइक तो करना नहीं है, पैसा लगता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो आप शेयर करते हो, बड़े बोलते सर बड़ी मुश्किल से तो आ पाते हैं, है ना। हाँ 2019 का क्रिकेट कप कहाँ पर, मेंस इंग्लैंड वेल्स में। 2023 का कहाँ होने वाला है, इंडिया में होने वाला। 2020 का अगर यहाँ पर बात कर ली जाए, T20 कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ 2020 का, ठीक है, होना था लेकिन शायद ये 2020 वर्ल्ड कप कैंसिल हो गया। 2021 का कब होगा सर, वुमेन्स का, न्यूजीलैंड, फीफा। 2018 रशिया में हुआ, फिर कतर में हुआ, उसके बाद यूरो कप पैन यूरोप में होगा, पूरे पूरे यूरोप में होगा। चलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पर बात आ जाती है सर हॉकी में, भुवनेश्वर इंडिया में। वुमेन्स कप जो होगा वर्ल्ड, 2018 हुआ लंदन में, ठीक है, 2018 में यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब 2020 की यहाँ पर बताना, 2020 का कब होगा वर्ल्ड, हुआ चैंपियनशिप ट्रॉफी। फिर यहाँ पर क्या है, समर्स ओलंपिक टोक्यो में, ठीक है। 24 का समर्स कहाँ, टोक्यो में होना था समर्स ओलंपिक, लेकिन अभी 21 में किया जाना है, लेकिन यहाँ से कोरिया शायद, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने बायकॉट कर दिया है। जो नॉर्थ कोरिया भाई साहब है, नॉर्थ कोरियन है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने बोल दिया भैया यहाँ पर नहीं आ पाएंगे COVID-19 की वजह से, टाटा बाय बाय, ठीक है। और चाइना में भी होने वाले हैं, बीजिंग में विंटर्स ओलंपिक, 2022 के विंटर्स ओलंपिक होने वाले हैं चाइना में। चाइना की जो एक निगेटिव छवि बनी है कोरोना को लेकर, तो बहुत सारे देश चाहते हैं इसको बाइकआउट करना, लेकिन चाइना ने ना, मुझे जितना याद आ रहा है, अगस्त में ही नहीं अक्टूबर में, उसका जो मूक पत्र है, एक्चुअली मूक पत्र क्या है ना, चाइना का ही पेपर, चाइना की गवर्नमेंट का पेपर, ग्लोबल टाइम्स, ठीक है, उसने कहा कि अगर बहुत सारे देश अगर बायकॉट करते हैं, ठीक है जी, अगर बायकॉट करते हैं तो यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, ले लो। तो जो है यहाँ पर पहले स्क्रीनशॉट ही ले लो, ठीक है, चलो पढ़ाएंगे तो हम बाद में, है ना, चलो ठीक है। अरे प्रभु स्लाइड में दे दूंगा, काहे टेंशन ले रहे हो यार, ठीक है, काहे टेंशन नहीं आ रहे हो। हाँ जल्दी से ले लो। हाँ पता नहीं बाद में से कहाँ निकल जाएंगे। हाँ चलो, तो इसने कहा कि अगर कोई जो है नहीं आएगा तो उस पर सैंक्शन लगा दिया जाएगा। चलो ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब आ जाओ। स्पोर्टिंग इवेंट की यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम की, जो कि गोल्ड कोस्ट में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, अभी कहाँ होगा, बकिंगम में होगा, ठीक है, ब्रिटेन के, अभी ब्रिटेन, ब्रिटेन के क्वीन है, उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, तो उनके हस्बैंड का नाम बताना मुझे, क्या है इनकी डेथ हुई है, जरा ठाकुर अभिराज भैया, हेलो। चलो क्लियर, अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ पर मिलेगा आपको। चलो अब आनंद बोल रहे हैं कि सेंड कर देना, हाँ गुरु सेंड ही कर दिया जाएगा। चलो बताओ फटाफट, यहाँ पे बताओ, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है या कर्नाटका है, जल्दी से बताओ फटाफट, सेशन को शेयर करो। चलो यहां तक क्लियर है, प्रिंस फिलिप, यस बहुत बढ़िया। चलो फटाफट सेशन को शेयर करो, यहां पे आंसर हो जाएगा क्या, ड्यूक ऑफ इडनबर्ग, वेरी गुड, प्रिंस फिलिप, चलो बहुत बढ़िया। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहां पे आंसर हो जाएगा मेघालय। चलो ठीक है, चलो मेघालय में है, और ये गारो खासी जयंतिया हिल्स के पास में पड़ता है आपका, हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड पे है,
ठीक है, 9-10 मीटर की हाइट पर इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बना था, इनाग्रेट किया गया दिसंबर 1987 में, और यहाँ पर बार्किंग डियर, एशियन गोल्डन कैट, बंगाल टाइगर, ठीक है, और वाटर वाइल्ड वाटर बफेलो, रेड पांडा, इंडियन एलिफेंट, ये सब मिलता है इसका। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर अगर आप बात बोलोगे, इसका अर्थ होता है अनंत पवन की भूमि, दैट मीन लैंड ऑफ द इटर्नल विंड। चलो फटाफट दर्शक सचिन को शेयर करो, कंफर्म नहीं थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंफर्म नहीं थे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सिमलीपाल भाई साहब ये बता दो, ठीक है, 50 पैसा इनाम, जरो फटाफट बताओ यहाँ पे सिमलीपाल, ये तो हम लोग देखे, देखो कितने नेशनल पार्क आ रहे हैं, कितने नेशनल पार्क आ रहे हैं। अरे गलत नहीं करो, सही कैसे हो, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है भाई कभी भी, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। चलो ये सारे नेशनल पार्क देख लेते जरा एक बार यहाँ पे, ठीक है। अब नेशनल पार्क जी आप यहाँ पर बात करते हैं जरा, वैसे तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है जल्दी से मुझे बताना, सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का, सबसे पहला पहला नेशनल पार्क कौन सा है, और बहुत सारे हैं बताए जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं, देखो जो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेशनल पार्क पे कानून कैसे बनाया जा सकता है, तो हमारी सातवीं सेवेंथ शेड्यूल है, हमारा सेवेंथ शेड्यूल है, ठीक है, उसमें सातवीं जो समवर्ती सूची है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है, वो दोनों यहाँ पे आता है। अगर आपको पता होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में आया, ठीक है, उसके सेक्शन नंबर 75 का क्लॉज 4 ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो कानून है नेशनल पार्क में बनाने का वो कौन बनाता है, यहाँ पे ये बनाएगा, ठीक है। दो शब्द होते हैं, एक होता है एक्सीटू और एक होता है इन सीटू, मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सीटू क्या होता है, किसी को उसके हैबिटाट से हटाकर उसका संरक्षण करना, इन सीटू क्या होता है उसको उसी के हैबिटाट में वहां पर क्या करना, रिजर्व करना, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ठाकुर भाई साहब गलत हो जाओगे, नीलगिरी है पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उड़ीसा का अगर बात करोगे तब बात सही है, ऑफ उड़ीसा, यस सही बोला, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ उड़ीसा इज ये क्या बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे थे ना सिमलीपाल, ठीक है। दूसरा जो नया बनाया जा रहा है महेंद्रगिरी, वो हो जाएगा किसके लिए, उड़ीसा के लिए। चलो हाँ ठीक है, विनीत भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ पे अटक रहा है जैसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, उड़ीसा का बोल रहे हैं सर जी, यस ठाकुर जी आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ मुझे लगा कि आप हो ऑल ओवर इंडिया का बोल रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया का बोलोगे तो फिर नीलगिरी हो जाएगा, ठीक है। हाँ सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है सर, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये सारे नेशनल पार्क है वो सब देख चुके हैं, ठीक है, ये पूरी लिस्ट है नेशनल पार्क की, ठीक है, जो आपको मिल जाएगी। इंद्रजीत सर बोल रहे हैं आज सीपीओ का रिजल्ट आएगा क्या, होप फॉर द बेस्ट आ जाए। स्मॉलेस्ट साउथ बटन, यस हेले नेशनल जिम, हाँ हेले पहले नाम था उसका, जिम कॉर्बेट नेशनल नाम बाद में पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान सुनना, देखो अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं, तो ये देखो अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसको कैसे याद करोगे, माउंट हेरिटेज सेड रानी फ्रॉम झांसी टू दी गांधी, इसको याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है, गोला कैंप, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, जिस तरीके से भी आप बना पाओ, ठीक है। बटन के नाम पर नॉर्थ बटन, मिडिल बटन और साउथ बटन, साउथ बटन जो है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का, ठीक है। 10th चैनल, यस अंडमान निकोबार, ये क्वेश्चन भी आया है, 10th चैनल से अलग होता है, जो तो मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, कई बार बता चुका हूँ। तो कैंपबेल बे, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, माउंट हैरिट नेशनल पार्क, झांसी रानी नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि स्मॉलेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे गैलटी, मिडिल बटन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क और सडल पीक नेशनल पार्क, ठीक है। अब आसाम की यहाँ पर बात कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, मनास डाबू ईट्स ऑरेंजेस, ठीक है, तो इसका ट्रिक ये बन सकता है आपका, ठीक है, आसाम के लिए। तो क्या हो जाएगा, डिब्रू शिखाओ नेशनल पार्क हो गया, मनास नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड बफेलो के लिए बड़ा फेमस है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है,
जिसको हम लोग बोल देते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, वन हॉर्न रिनोसेरॉस के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए बड़ा फेमस है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, ये सारे नेशनल पार्क अभी दिखा के तो आए थे, अब लिस्ट में दिखा दिया आपको, और बताओ अंडमान की हाईएस्ट पीक सैडल पीक है, निकोबार की माउंट थुलिर, माउंट थुलिर नहीं है थुलिर है, चलो क्लियर है। विनीत पूछ रहे हैं मेरा क्वेश्चन मुझी पे, बहुत सही गुरु, हाँ ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, एमपी में नेशनल सबसे बड़ा, यस 51 काजीरंगा जोरहाट आसाम में है, बहुत बढ़िया। चलो अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, यहाँ पे तो माउलिंग नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क है, नामदफा बड़ा फेमस है नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है बड़ा फेमस नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए तो पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश का समझ सकते हो। छत्तीसगढ़ की यहाँ पर बात करी जाए तो गुरु घासीदास जिसको संजय नेशनल पार्क भी बोल देते हैं, और संजय नेशनल पार्क यहाँ पे केगर घाटी नेशनल पार्क हो जाएगा, तो गुरु इंदिरा इन सी जी इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है तो जैसे आप याद करना चाहो, ठीक है चलो क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से बताओ फटाफट। बिहार का इकलौता ही है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है इकलौता है बिहार, बिहार के वाल्मीकि रामायण लिखी है ऐसा याद कर सकते हो। गोवा का मोलेम नेशनल पार्क है, गुजरात में ब्लैकबक नेशनल पार्क हो जाएगा, मरीन नेशनल पार्क हो जाएगा, इंडिया का पहला मरीन पार्क अगर बोल दिया जाए, मतलब जलीय पार्क अगर यहाँ पर बोल दिया जाए, जो पहली बार जलीय जंतुओं के लिए बनाया गया, ठीक है जलीय जंतुओं के लिए बनाया गया वो कौन सा था, गल्फ ऑफ कच्छ में ही था गुजरात में, ठीक है। गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए बड़ा फेमस है, वनसाड नेशनल पार्क हो जाएगा आपका, ठीक है 51% and 80% जो है इंडिया की अच्छा इंडिया में जो टाइगर है, ओके नेफा नॉर्थ फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यस पहले नाम नेफा था, यस बहुत बढ़िया। वेस्टर्न चंपारण में है आपका क्या वाल्मीकि, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है काजीरंगा जोरहाट आसाम, बहुत बढ़िया जी। 2967 2967 जो है नेशनल यहाँ पे टाइगर का सेंसस आया था, ठीक है चलो नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है जिसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं यहाँ पे, ठीक है टोटल मरीन नेशनल पार्क कितने हैं सर, 6 नेशनल पार्क है टोटल मरीन नेशनल पार्क। उसके बाद हरियाणा में आपका क्या है, कालेसर नेशनल पार्क मिल जाएगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको दिख जाएगा, उसके अलावा अगर बात करते हो हजारीबाग नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क एक और मिल जाएगा झारखंड के अंदर। चलो यहां तक क्लियर है क्या, जल्दी से बताइए यहां तक क्लियर है। तो ये सारी बातें कर्नाटक में बात करें आंसी, ठीक है बन्नेर घाट नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है बन्नेर बांदी नगर राजीव इस तरह से याद कर सकते हो शॉर्टकट में जिस तरह से बना पाओ। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ठीक है स्नो लेपर्ड बड़ा फेमस है, DHKS इसको याद करने का तरीका क्या है, DHKS ठीक है दाचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली क्यों नाम पे किए और ऑर्निथोलॉजिस्ट थे इन्हीं के नाम पर यहाँ पर रखा गया है। आई होप यू रिमेंबर दिस, आपको याद रहेगा। जल्दी से फटाफट से सेशन को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो, डेली यही के यही इसी तरीके से हम लोग चीज़ों को लेकर चलेंगे, ठीक है। देश का पहला बालू टिब्बा नेशनल पार्क गोवा में बनाया गया है, ओके ठाकुर बहुत बढ़िया, ठाकुर साहब क्या नाम है अभिराज, अभिराज बोल देते हैं, ठीक है चलो। केरला में है, सेंसस में सबसे फर्स्ट है, ठीक है अनाईमोड़ी शोला नेशनल पार्क, ठीक है यहाँ पे मेथीकाठी शोला नेशनल पार्क है, फिर यहाँ पर पेरियार नेशनल पार्क हो जाएगा। 1982 में बनाया गया था पेरियार नेशनल पार्क, जो कि टोटली डेडिकेटेड है किसके लिए, एलिफेंट्स के लिए, ठीक है। पद्मनाभन सोला नेशनल पार्क हो जाएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शुमार हुआ, मिला कौन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और फिर यहाँ पर क्या खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है समली यहाँ पे सिंबल बारा नेशनल पार्क, फिर यहाँ पे पिन वैली नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क हो जाएगा। राधे राधे भाई साहब, यस बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया अभिराज, ठीक है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र नेशनल पार्क हो जाएगा, चंदोली नेशनल पार्क हो जाता है, ठीक है गुगुमाला नेशनल, ताड़ोबा बहुत फेमस है भाई, संजय गांधी नेशनल पार्क हो जाएगा जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है, मुंबई में ही है, ठीक है नवेगांव नेशनल पार्क, ठीक है। मोस्ट विजिटेड नेशनल पार्क कौन सा है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, और देखो महाराष्ट्र और एमपी में पेंच पड़ता है, दोनों में पड़ जाता है आपका, देखो ध्यान सुनना, दोनों के बीच में अगर आपको आंसर पूछा जाए दोनों के बीच में पेंच पड़ेगा,
एमपी और सीजी के बीच में पड़ेगा संजय गांधी नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको नोट डाउन कर लेना। और ये मैंने एसबीआई में पढ़ाया था, जब मैं एसबीआई के सेशंस ले रहा था उसमें मैंने पढ़ाया था। अनाई मोड़ी इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, यस ठीक है। फिर यहाँ पर मुर्गाविनी नेशनल पार्क हो जाता है, फिर महावीर नेशनल पार्क हो जाता है। चलो तमिलनाडु गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क हो जाएगा, गोंडी नेशनल पार्क हो जाएगा। फिर राजस्थान में अगर आप बात कर लो तो डेजर्ट नेशनल पार्क आ जाता है, रणथंबोर नेशनल पार्क आ जाता है, माउंट आबू नेशनल यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाता है, कोयला देव बहुत बहुत फेमस है, सरिस्का टाइगर रिजर्व हो जाता है। फिर यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क आ जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जाधव पायेंग, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, बहुत अच्छे विनीत। यही होता है देखो जब सब लोग मिलके आंसर कर रहे होते हैं ना। फर्स्ट एलिफेंट हॉस्पिटल, हाँ केरला में बनाया गया है, ठीक है। भरतपुर में है कोयलादेव नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, 11 नेशनल पार्क है आपके सामने सारे नाम, डायनासोर ओमकारेश्वर पेंच माधव सतपुरा संजय कान्हा, ठीक है, मंडला वन विहार और बांधवगढ़, सारे सारे नाम आपके सामने यहाँ पर दे दिए हैं मैंने, ठीक है। कान्हा और पन्ना भी कहा जाता है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है वही वाला है ना, हाँ बस। किसने लिखा था जंगल बुक, किसने लिखी है जल्दी बताओ, ठीक है। अब देखो, ठीक है, नागालैंड में यहाँ से नटगकी नेशनल पार्क आ जाएगा, मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क आ जाएगा, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क आ जाएगा, मणिपुर में ठीक है केवल लामजाओ इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, क्लियर है, हाँ। दुधवा नेशनल पार्क आ जाएगा यहाँ पे। फिर त्रिपुरा क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन नेशनल पार्क, चलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। हाँ ये देखो फिर से याद हो गया, वही लिखा था मैंने, चलो क्लियर है एलिफेंट हॉस्पिटल। चलो हाँ, सलीम अली जो है वो नेशनल पार्क जम्मू में है और बर्ड पार्क जो है वो गोवा में है, वेरी गुड। इंस्टीट्यूट ऑर्निथोलॉजी, यस बहुत बढ़िया, चलो। रुडियार्ड किपलिंग, बहुत बढ़िया। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, बहुत अच्छे। लखीमपुर खीरी, चलो। तेलंगाना में कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मुर्गावी नेशनल पार्क हो जाएगा, महावीर हरीना नेशनल पार्क हो जाएगा, भीतरकर्णिका बहुत फेमस है भाई, ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक। मिजोरम नेशनल पार्क, बहुत सारे, ठीक है। बक्सा नेशनल पार्क यहाँ पे, तो सारे सारे नेशनल पार्क हम लोगों ने यहाँ पर देख डाले आज। उत्तराखंड, अब जो क्वेश्चन बचे होंगे वो मैं कल लेके आऊंगा, ठीक है। सो आई होप यू ऑल एंजॉय द क्लास। नंदा देवी नेशनल पार्क है, वैली फ्लावर नेशनल पार्क है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। गंगोत्री पार्क हो जाएगा, राजा जी नेशनल, जिम कॉर्बेट इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। जंगल बुड रुटिया टीपिंग ने लिखी थी। सो आई होप यू ऑल एंजॉय द क्लास, आप सभी ने क्लास को एंजॉय किया, जल्दी से बताइएगा। आई होप यू ऑल एंजॉय द क्लास, ठीक है। आप कंटेंट को जानते होंगे, लेवल को जानते होंगे, मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं कंटेंट लेवल कंटेंट पे बात कर रहा होता हूँ चीज़ों को लेकर। तो जुड़ना ना भूलना GSGA विद संजय सर वाले टेलीग्राम चैनल से, GSGA विद संजय सर के टेलीग्राम चैनल से। कौन है संजय सर? भाई साहब यही है सामने बैठे हैं।